दोस्तों, अगर आप गूगल पे या कोई भी यूपी माध्यम से आप पेमेंट करते हैं तो ये जो वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो पे हमने इंक्लूड किया है ऐसी क्वेश्चंस जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन है, यूपी का डेली ट्रांजैक्शन लिमिट कितना है, मतलब गूगल पे या फोन पे या पेटीएम यूज करके आप डेली कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका आंसर है, जो बैंक आपने यूपी माध्यम के लिए ऐड किया है उस पर डिपेंड करेगा। कुछ बैंक अलाउ करता है 1 लाख रुपए पर डे, कुछ बैंक अलाउ करता है 25,000 या 40,000 रुपीज। तो ये डिफरेंट डिपेंड करेगा बैंक कितना अलाउ करता है। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम लिमिट हर एक बैंक देखे तो 1 लाख रुपया ही है। एक और बात है, कुछ बैंक्स ऐसे भी है जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर भी लिमिट लाया है, मतलब पर डे 10 ट्रांजैक्शन या 1 लाख रुपए का लिमिट। तो आपका बैंक कौन सा है यूपीए पर, इस पर डिपेंड करेगा। कुछ बैंक्स ऐसे भी है जो कहता है ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है सिर्फ फंड ट्रांसफर के लिए है, मर्चेंट ट्रांसफर या बिल पेमेंट के लिए नहीं, सिर्फ फंड ट्रांसफर के लिए है ये जो 1 लाख रुपये या 10 ट्रांजैक्शन पर लिमिट का लिमिट अप्लाई किया गया है। तो दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये जो पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप एक नया यूपीआई ऐड करते हैं या एक नया फोन पर गूगल पे या फोन पे यूज करते हैं या एक यूपीआई कुछ टाइम बाद आप एक्टिवेट करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं, तो इन केसेस पर आपको कुछ लिमिट होगा। क्या है ये लिमिट? दोस्तों, लिमिट ये है, आप 24 या 72 आवर्स के लिए आप फंड ट्रांसफर या कोई भी ट्रांजेक्शन विद इन 5,000 रुपीज ही कर पाओगे। ये कुछ बैंक्स का यूपीआई का नियम है, आप उसे पालन करें। अगर आप उस अमाउंट के ऊपर करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन फेल होगा। एग्जांपल के लिए आप देखिए HDFC बैंक, जब आप ऐसी केसेस पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं मोर देन 5,000 रुपीज, तो एंड्रॉइड यूजर है तो 24 आवर्स के लिए या आईफोन यूजर है तो 72 आवर्स के लिए आपको एज लिमिट 5,000 रुपीज का लिमिट रखा गया है HDFC यूजर्स के लिए। इसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, इसके ध्यान रखिएगा, जब आप एक नया सिम कार्ड लेते हैं, मोबाइल नंबर बदलते हैं, नया फोन लेते हैं, ऐसी टाइम पर आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन से फर्स्ट 24 आवर्स या 72 आवर्स के लिए, उसके बाद ये जो लिमिट हट जाएगा, आप आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब आप एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसके बाद क्या आप उसे स्टॉप कर पाओगे? आंसर है दोस्तों, नहीं, आप उसे स्टॉप नहीं कर पाओगे। एक बार आपने ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, उसके बाद स्टॉप नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब आप अपना बैंक पर मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो जो नया नंबर है उससे क्या आप ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर पाओगे? आंसर है नहीं, आपका यूपीआई ऐप पर जाकर आपको रीसेट करना पड़ेगा, यूपीआई पिन रीसेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना कार्ड का 6-डिजिट नंबर, एक्सपायरी डेट और पिन भी यूज करना पड़ेगा। यूपीआई पिन रीसेट करने के बाद ही आप अपने मोबाइल से वो जो नया मोबाइल नंबर है उससे ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो दोस्तों, ये ध्यान पर रखिएगा, बैंक पर जाके अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, उसके बाद उसका यूपीआई पिन भी रीसेट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप विदेश पर यूपीआई के माध्यम से पैसा सेंड कर पाओगे? आप विदेश पर, अब्रॉड पर यूपीआई के माध्यम से पैसा नहीं सेंड कर पाओगे, ये आप ध्यान पर रखिएगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप यूपीआई पिन एंटर करते हैं तो एक बार आपने रॉन्गली एंटर कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम है, या मल्टीपल टाइम्स आपने रॉन्गली एंटर कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम्स है? यहाँ पर आपने एक बार रॉन्गली एंटर कर दिया तो वो जो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। आपने मल्टीपल टाइम्स रॉन्गली एंटर किया तो आपका अकाउंट से, यूपीआई अकाउंट से पैसा भेजना स्टॉप कर देगा, ये बैंक पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखिए, जो IMPS ट्रांजैक्शन होता है, NEFT या IMPS, IMPS बहुत ही फास्ट होता है, इनसे कैसे जो UPI ट्रांजैक्शन डिफर करता है। पहला डिफरेंस है, आप किसी को भी पैसा भेजने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं UPI के अंदर, IMPS से ऐसे नहीं होता। IMPS यूज करके आप सिर्फ पैसा भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे। सेकंड है, ये जो मर्चेंट पेमेंट्स बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिए है UPI के अंदर। अब देखिए, सिर्फ एक UPI काफ़ी है आपको पैसा सेंड करने के लिए या रिक्वेस्ट भेजने के लिए। IMPS ट्रांसफर पर आप सिर्फ बेनिफिशियरी के लिए ही पैसा सेंड कर पाओगे। ये जो डिफरेंस है, UPI पर बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर एक और बात है, आजकल बहुत चल रहा है वॉलेट, पेटीएम वॉलेट हो, फोन पे वॉलेट हो, क्या आप UPI के माध्यम से किसी वॉलेट को पैसा भेज पाओगे? आंसर है नहीं, आप UPI के माध्यम से सिर्फ बैंक को ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे, किसी वॉलेट को आप पैसा नहीं भेज पाओगे। इसका मतलब ये हुआ, आप किसी वॉलेट को UPI से लिंक भी नहीं कर पाओगे। जब आप UPI ऐड करते हैं, UPI अकाउंट ऐड करते हैं, तो सिर्फ बैंक अकाउंट ही ऐड कर पाओगे, लिंक कर पाओगे, आप वहां पर वॉलेट नहीं लिंक कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू UPI। अगर आप कुछ डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन।
वीडियो चलो तो लाइक कर, शेयर करें एंड डू सब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।